उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के ब्रजघाट से कांग्रेसियों ने 9 अगस्त को क्रांति गौरव यात्रा निकाली, जो ब्रजघाट से शुरू होकर हसनपुर के रेहरा बस स्टैंड पर समाप्त हुई। दरअसल अमरोहा में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में आज अमरोहा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हम इस 9 अगस्त क्रांति गौरव यात्रा को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देश में आजादी के समय जो शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा ब्रजघाट से शुरू होकर हसनपुर के रेहरा बस स्टैंड पर समाप्त हुई। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा की जाएगी। आज आप इस आजादी की गौरव यात्रा का जो मैन उद्देश्य है कि जो इस देश पर आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर कर गए, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन बलिदानियों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारत अखंड रहे, एकता रहे, सद्भावना रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम एकता, ईसाई एकता सब बनी रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है। गौरतलब है कि इस दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, प्रदेश सचिव चौधरी सुखराज सिंह, प्रदेश सचिव चौधरी समीम अयूब, सत्तार सैफी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।